बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, बड़ी अकड़ से बेटा निकले घर से एक्टर होने, बाहरी किस्मत बाहरी किस्मत, किस्मत में थे लिखे बर्तन धोने, अरे भाई लिखे बर्तन धोने। ओ बेटा जी, जीने का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, समोसा बैकड़ा एरिया इलाका है मोंग, मोंग शरीफ है। वैसे नहर तो बहुत मजे दी है, ए मोंग वाला चौक। दुनिया के इस चिड़ियाघर में तरह तरह का जलवा, मिले किसी को सूखी रोटी किसी को पूरी हलवा, अरे भाई किसी को पूरी हलवा। इस नहर ने किधर जाना है? चिनाब में जाके गिर टच दर्द दिया तो थोड़ा थोड़ा, खुशी भी थोड़ी थोड़ी, बाहर मालिक बाहर मालिक, दुख और सुख की खूब बनाई जोड़ी, अरे वाह खूब बनाई जोड़ी। ओ बेटा जी, जीवन का नशा कभी गरम कभी नरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, लेकिन इंतजामिया पुराना रसूल बिराज आ गया, जमाने बिजली दी टरबाइन होनी सन, फिर
नज़र आ रहे एक इधर जेलम है जो कि क्रॉस करके वो अगे जाके एक न्यू ब्रिज बनया जिसनों ब्रिज का नाम दिता जाता। तो पुराने वक्त स्टेज अप तुम स्टेज तो अप करके जाना एक डेट लिखी है जिस दिन फ्लड आया 10/19/1992। अच्छा सैलाब बहुत ही ज़्यादा हैवी है जो कि इस दे नज़दीक नज़दीक जो सिटी मंडी मौजूद है वो अंदर भी चला गया है। दर्शकों को मेरा चेहरा दिखाई दे। हेलो नहीं भाई जी ये देखिए ये पर्दे में रहने थे ये भाई जी डोली दिखा। अच्छा यार ये डोली है मतलब ये डोली किस लिए यूज होती थी इधर से दूसरे किनारे पे जाने के लिए मतलब कि उन डेज में ना तो रोड का इतना कोई कंसेप्ट था और ना ही गाड़ियाँ शाड़ियाँ पाकिस्तान में आई हुई थी कि जो हर बंदा अक्सर जिनको हो सकते हर बंदे तो नॉर्मली ये यूज किए जाते थे यहाँ से इसके ऊपर बैठना और बैठ के तो फिर आगे मूव करना। अच्छा जी इनको तो आप जानते हैं ये तबकात भाई हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा ये जो बैराज है ना ये ओल्ड रसूल बैराज थोड़ा सा व्यू आपको दिखाते हैं थोड़ा सा ये अंग्रेजों के जमाने में बना था। ओए मेरी तो सुन लेना ये अंग्रेजों के जमाने में बना था वो जो परला बैराज है सामने है वो न्यू बैराज है वो 1968 में बना था। ये मंगला कितने पैंदा ये मंगला डैम से 70 किलोमीटर दूर है और अगर आप देखेंगे ना ये दरिया से इस तरफ मंडी बहुदीन है और दरिया के उस तरफ जेलम एरिया स्टार्ट हो जाता है तो ये दो जिलों को डिवाइड करता है। ये आपको मे बी हिल्स नजर आ रहे हो मतलब ये खिड़ा की जो साल्ट माइन है ना ये उसी से लिंक्ड है मतलब वहाँ से ये वाला सिलसिला इन पहाड़ों का चलता है। तो यहाँ पे माशाल्लाह बुंडी शुंडी कोई नहीं लेकिन वैसे मंडी में ये देखे ना अली अकबर शाह ये दिखाएं आप नाजरीन को दिखाएं ये 14/1986 में ये कोई पता नहीं कौन जो भी है तो ये माशाल्लाह बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है हमारे बाप दादा भी यहाँ पे आते रहे हैं। अल्लाह 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 माफ करे माफ करे क्या हो गया भाई क्या हो गया अब्बा जान नहीं आए कभी यहाँ नहीं यार मेरे अब्बा जी सऊदी अरब में रहते हैं। अच्छा अच्छा उन्होंने आपको सऊदी अरब में चाहिए जगह ढूंढी होनी नहीं यार वहाँ पे बीचेस होते हैं यार अभी कवाम होते ठीक है जी डन करें इसको। हाँ जी भाई जान ओके जी अब हम आपको मिलेंगे अगले इतवार को फिर किसी नई नहीं मिलेंगे नहीं। अच्छा बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं भाई। अच्छा यार हम आपको नजर आएंगे हाँ, हम आपको नजर आएंगे अगले इतवार को फिर किसी ऐसी ही अननोन प्लेस पे भाई जान वो एडवेंचर हिंदी से क्या किया एडवेंचर को हिंदी से उर्दू हिंदी में हिंदी हिंदी जो भी आखिर देख लगे खतरों के खिलाड़ी नाजरीन इसने मुझे गाली निकाल दी अभी अभी आपने सुनी नाजरीन मैं आपको सुनवाना चाहूंगा इतनी गंदी किस्म की गाली थी कोई यकीन करें इतनी गंदी किस्म की गाली यार एक्चुअली ये बंदा ना बहुत ही ना तेज ड्राइव करता है और ऊपर से ना कुछ सेफ्टी से रखी भाई कितने एक्सीडेंट हुए ना कोई नहीं।